हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, क्या बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया है, देखिए इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है भाई, कितना बड़ा घोटाला हुआ है और जो जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है भाई। देखिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ और सबूत के साथ बताऊंगा आपको कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और जो बंदे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि जो मैं जानकारी लेके आया हूँ भाई, बहुत ही बड़ी जानकारी है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही लागू करेगी। और सभी कैंडिडेट्स से कह दूँ भाई, देखिए आपकी जो इस जो बिहार पुलिस का जो अभी अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है भाई, इसका जो फिजिकल डेट आएगी वह इसी महीने में, जून के महीने में भाई घोषित कर दी जाएगी। इसी जून के महीने में आपकी फिजिकल की डेट यहाँ पर देख सकते हैं, जून के आखिर में शारीरिक परीक्षा की तिथि घोषित होगी। तो भाई देखिए, जो यह घोटाला यह गड़बड़ी हुई है भाई, इसे सुधारने के लिए, जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है बड़ा, इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए आपको अभी से कदम उठाना पड़ेगा। वरना देखिए, जून में इसी महीने में आपकी फिजिकल की डेट घोषित हो जाएगी और भाई आपकी इस भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है वो जल्दी से जल्दी यह भर्ती कराने की कोशिश करेंगे और ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी होगी। तो भाई इससे बचने के लिए आपको अभी से कदम उठाना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी। तो देखिए यहाँ पर और भी अच्छी जानकारी, कई जानकारी मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने इसलिए बताया है, जून के महीने में आपकी डेट घोषित हो जाएगी फिजिकल की, इसलिए क्योंकि भाई इसमें जो गड़बड़ी हुई है वह फिजिकल से पहले ही आप सुधार कर सकते हैं भाई। आपका फिजिकल की डेट घोषित हो जाएगी और फिजिकल में फिजिकल होने के बाद अपना सुधार नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल के लिए इन्होंने क्या लिखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख जून के आखिर सप्ताह तक घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पर भाई जो फिजिकल की डेट आने से पहले ही इस जो गड़बड़ी जो यहाँ पर की है उस गड़बड़ी में सुधार कर लें। तो देखिए यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है उसे मैं जानकारी दे दूँ भाई। जैसे कि मेन मेन पॉइंट की बात करते हैं भाई, बच्चों के साथ देखिए मैंने पोस्टर में पहले ही लिख दिया था 12 जनवरी को अनपढ़ कैंडिडेट गए थे पेपर में। तो भाई इसका मतलब यह है कि भाई मेरा मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई रियल में 12 जनवरी को अनपढ़ कैंडिडेट गए, कहने का मतलब ये है भाई 12 जनवरी को भाई सबसे अधिक कैंडिडेट गए और रिजल्ट भाई बहुत कम मात्रा में बंदों का रिजल्ट घोषित किया गया है। जबकि 8 मार्च को यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर जबकि 8 मार्च को बहुत कम कैंडिडेट गए थे और रिजल्ट भी बहुत कैंडिडेटों का घोषित किया गया है, लेकिन सबूत के साथ बताऊंगा। तो देखिए यहां पर सबूत के साथ बताऊंगा मैं इस वीडियो में, आप यहां देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो यह रिजल्ट घोषित किया है। तो टोटल कैंडिडेटों का 58,264 कैंडिडेटों का रिजल्ट घोषित किया गया है, टोटल 58,264। और जो बिहार गृह रक्षक की शेष रिक्तियों का 5 गुना है। तो भाई देखिए बिहार गृह रक्षकों की संख्या कितनी है, 28,429 और गैर गृह रक्षकों की मूल रिक्ति का 5 गुना, मतलब इनकी संख्या है 29,835। तो देखिए आपके सामने यह डाटा कंप्लीट दिया हुआ है और हम बात करते हैं भाई क्या गड़बड़ी हुई है, क्या बड़ा घोटाला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे धोखा हुआ है सभी बच्चों के साथ। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ी आपको बता से देता हूँ कि भाई इन बातों को ध्यान देना आप, बच्चों के साथ हुआ सबसे बड़ा तो बड़ी बात यह है कि भाई सभी बच्चों के साथ, वैसे जो बंदे पास हुए हैं भाई उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है भाई उनके अच्छे नंबर आते हुए भी उन्हें फेल कर दिया गया, सबसे बड़ी बात यही है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के साथ हुआ बड़ा धोखा है, यहाँ बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसमें कैसे धोखा हुआ है भाई, आपको पता है कि बहुत पेपर लीक हुआ था बहुत ही बड़ी मात्रा में, लेकिन उस जो अफवाह जो भी कुछ फैल रहा था जैसे न्यूज पेपर में भी निकला, उसे वहीं की वहीं दाब दिया गया। आपने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा पिछले जो, जैसे कि न्यूज आएगी भाई
घोटाला हो चुका है, इसमें पेपर लीक हो चुका है। लेकिन दूसरे दिन ये न्यूज आई कि भाई इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ और ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन रियल सच्चाई अब आ चुकी है। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन को, बिहार पुलिस भर्ती में हुआ बड़ा घोटाला। ये आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जाने। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस भर्ती में पेपर हुआ बड़ी मात्रा में लीक, वह इस वीडियो से आपको पता पड़ जाएगा। तो भाई बहुत से बंदे अच्छी स्टडी करने के बावजूद भी फेल हो गए। और यहाँ पर देखिए किसी बंदे के 72 नंबर आए, वह 72 नंबर पे पास हो गया और एक ही कैटेगरी का है। देखिए एक बंदे के 72 नंबर आए और एक बंदे के आए 78 नंबर, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, जबकि 72 नंबर वाले को पास कर दिया गया और 78 नंबर वाले को फेल कर दिया गया। कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो भाई इसी तरह बहुत से बंदों के साथ धोखा हुआ है। और तो देखिए और भी बहुत सारी जानकारी इस सबूत के साथ बताऊंगा, और अच्छी जानकारी आप, जैसा कि मैं पहले बता दूं कि आप और अच्छी जानकारी पाना चाहते हैं, जैसा कि मैं और आगे एक्शन ले चुकूं या कुछ कर सकें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर देना थोड़ी सी, कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, सब कुछ क्लियर करके बताना कमेंट्स बॉक्स में, और अपने जिले का नाम जरूर लिखना। तो भाई उसके लिए जल्द से जल्द मेरा वीडियो आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोहतास जिला है, रोहतास जिला जो श्री शंकर उच्च माध्यमिक, रोहतास जिला में परीक्षा केंद्र है श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि तकिया सासाराम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, और यहाँ रोल नंबर भी दिया है, यहाँ पर रोल नंबर भी मैंने लिखा है। इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक यहाँ तक टोटल छात्र थे 888। जैसे कि मान लो इसमें 90% कैंडिडेट रिटन टेस्ट में बैठे थे पेपर देने के लिए, तो भाई मात्र 22 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है। आप अंदाजा करके देखिए टोटल कैंडिडेट 888 थे 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट को। और आप देख सकते हैं इस जो डाटा दिया है, इस डाटा को आप CSBC ऑफिशियल वेबसाइट बिहार पुलिस की, जो CSBC बिहार पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप इस ऑफिशियल को साइट को देख सकते हैं इस डाटा को। तो इस रोल नंबर से लेके यहाँ तक देखना आप 888 कैंडिडेट हैं और मात्र 22 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, बहुत ही कम मात्रा। आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12 जनवरी को ही सेकेंड शिफ्ट की इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक टोटल इतने छात्र थे 888, लेकिन कितने कैंडिडेट पास वो रिजल्ट घोषित किया गया, मात्र 32 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया। और यहाँ पर देखिए रोहतास जिला में ही परीक्षा केंद्र श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तकिया सासाराम में। और यहाँ पर देखिए जब 8 मार्च में इसी जिले में उसी स्कूल में उसी जो विद्यालय है 8 मार्च को जब फर्स्ट शिफ्ट, आपको पता है कि दो डेटों में आपके परीक्षा हुई थी 12 जनवरी और 8 मार्च को, जब 8 मार्च को उसी जिले में उसी माध्यमिक विद्यालय में तकिया सासाराम में वहीं पर 8 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में इतने रोल नंबर तक उतने ही छात्र बैठे, 888 छात्र हुए बैठे थे। और देखिए यहाँ पर कितने छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ही देख सकते हैं मात्र 22 छात्रों का, और 8 मार्च को देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में 50 छात्रों का। भाई कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर खुद देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो यहाँ पर 8 मार्च को सेकंड शिफ्ट में देखिए इतने रोल नंबर तक और टोटल छात्र 888, और रिजल्ट कितने छात्रों का हुआ है, 56 छात्रों का, भाई दुगना हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट को 32 छात्रों का हुआ रिजल्ट घोषित, और यहाँ पर 56 छात्रों का। क्या भाई 12 जनवरी को क्या अनपढ़ लोग गए थे जो इतने फेल हो गए, इतने कैंडिडेटों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इसी आधार पर मैंने यह पहली थंबनेल में लिख दिया था, तो यह इस बात को ही लेके यह वीडियो बनाया। देखिए और भी ऐसा नहीं है, बहुत से जिलों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर और जिले का नाम जरूर लिखना। देखिए दूसरे जिले को लेके देख लेते हैं, दूसरे जिले को देखो,
यहाँ पर देखिए दूसरा जिला, तो यहाँ पर दूसरा जिला है नवादा जिला। परीक्षा केंद्र था ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल नवीन नगर नवादा में है। ओके, तो यहाँ पर नवादा जिला में आप देख सकते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट कितने थे 792, और रिजल्ट कितने बंदों का घोषित हुआ है 27 बंदों का। ध्यान से देखना, 27 बंदों का रिजल्ट घोषित हुआ है 792 कैंडिडेट से, और 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को। आप रोल नंबर चेक कर सकते हैं, इस यह डाटा ऑफिशियल है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। 12 जनवरी आप देख सको, देखो 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को इस रोल नंबर से लेके यहाँ तक इस रोल नंबर तक टोटल छात्र उतने ही बैठे थे, और कितने छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है 19 छात्रों का। आप देख सकते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 27 और 19 छात्रों का, इतने छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है उसी जिले में और उसी पब्लिक स्कूल में। उसी स्कूल पब्लिक स्कूल है और वहीं पर नवादा जिला परीक्षा केंद्र ज्ञान भारती में ही 8 मार्च को देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को रोल नंबर भी दिया है, और टोटल छात्र भी उतने ही थे। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट कितना घोषित किया गया है, 71 छात्रों का फर्स्ट शिफ्ट में 71 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, जबकि नवादा में ही उसी जगह 12 जनवरी को 27 छात्रों मात्र। भाई कितने गुना हो गया, आप खुद देख सकते हैं कितने गुना हो गया है, यहाँ पर कितना बड़ा गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर 71 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया, इसलिए मैं कह रहा था क्या 12 जनवरी को क्या अनपढ़ कैंडिडेट गए थे जो इतने मात्रा में कैंडिडेट फेल कर दिए गए। भाई इस पर आपको जवाब देना होगा, तो यही बात को लेकर मैंने यह वीडियो तैयार किया है। भाई आपको भी सोचना पड़ेगा, जो बंदे यह देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई वह बंदे जरूर अपना कदम उठाना, ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाना, और ना कदम उठाया जाए तो भाई यह लॉकडाउन खत्म होते ही आपको तुरंत कदम उठाना होगा। फिजिकल होने से पहले ही, भाई ऐसा नहीं है कि यह इसी वर्ष से हुआ है, यहाँ हर बार जितनी बार भर्ती निकली है हर बार हुआ है। भाई बहुत से बंदों ने तो बिहार पुलिस की भर्ती देखना छोड़ दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को 27 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, और वहीं पर 8 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में 71 छात्रों का। और देखिए यहाँ पर और बड़ी गड़बड़ी, 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट को देखिए 19 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, और 8 मार्च की सेकंड शिफ्ट को ही 91 छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है, जबकि वही स्कूल वही जिला और उतने ही कैंडिडेट। भाई आप ध्यान से देख सकते हैं कितने कैंडिडेटों के साथ गड़बड़ी हुई है। और भाई जो बंदे पास हुए हैं भाई उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जो बंदे पास हुए हैं वे तो अब इस पर कोई भी कार्रवाई हो जाएगी फिर भी वे पास हो जाएंगे, क्योंकि वे अपनी मेहनत से पास हुएंगे। तो मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस बारे में जो बंदे अच्छे नंबर लाते हुए फेल हो गए। तो भाई इतनी बड़ी घोटाला चल रहा है भाई इस तरीके से, तो भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखना छोड़ देगा और सभी प्राइवेट जॉब करने लगेंगे, भाई बिहार पुलिस की जॉब देखना छोड़ देंगे अगर इस तरह गड़बड़ी हुई तो। भाई 19 छात्रों और 91 छात्रों में कितना बड़ा बहुत ही बड़ा फासला है भाई, अगर इस तरह गड़बड़ी हुई तो भाई कोई भी बंदा पेपर नहीं देगा। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी लिखने की आपको जानकारी देने की कोशिश की है। देखिए 72 नंबर वाला भाई बंदा पास हो गया और एक ही कैटेगरी का है, और एक 78 नंबर वाला बंदा फेल हो गया, बल्कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे थे और कोई पास हो गया और कोई फेल हो गया। भाई ज्यादा नंबर वाला फेल हो गया और कम नंबर वाला पास हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं भाई। और देखिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप आरटीआई लगाइए, और किस तरह आरटीआई लगाते मैं जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको और बता दूं, अच्छी जानकारी तो यहाँ पर निकल कर आई है कि भाई देखिए 12 जनवरी 2020 को देखिए यहाँ पर जो मैंने यह लिया है ऑफिशियल वेबसाइट की, जो आपके लिए नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, लिए जानकारी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। उक्त विज्ञापन के क्रम से यह जानकारी जो आपको दिखाई दे रही है, यह जानकारी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल
68,016 कैंडिडेट हैं, 6,68,000 कैंडिडेट थे 12 जनवरी 2020 को। तो 12 जनवरी 2020 को 6,68,016 कैंडिडेट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 12 जनवरी 2020 को छात्रों की संख्या कितनी है, 6,68,016 कैंडिडेट, और रिजल्ट कितने बंदों का घोषित हुआ है, 20,500 का, मात्र 20,500 का घोषित किया गया है। और यहीं पर आप 8 मार्च को देख सकते हैं, 8 मार्च 2020 को छात्रों की संख्या कितनी है, 5,96,641, और रिजल्ट कितने कैंडिडेटों का हुआ है, 38,000 कैंडिडेटों को। देखिए भाई दुगना अंतर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 12 जनवरी को सबसे अधिक कैंडिडेट होने के बावजूद भी, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो भाई 90% कैंडिडेटों ने पेपर दिया होगा, मान लो 10% अपसेट रहे होंगे या 10% किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे, तो भाई आप यहां देख सकते हैं 6,68,016 कैंडिडेटों की संख्या थी 12 जनवरी 2020 को, और जबकि रिजल्ट 20,500 का घोषित हुआ है। और यहीं पर 8 मार्च को 38,000 कैंडिडेटों का, जबकि कैंडिडेटों की संख्या 12 जनवरी से कम थी, फिर भी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट। भाई यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। और देखिए और भी देखिए यहाँ पर और देखिए नीचे, यह ऑफिशियल साइट से मैंने जानकारी ली है पूरी कंप्लीट, और 460 अभ्यर्थी ऐसे थे जो किसी ना कारणवश उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है वहीं पर, और यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी है, आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ हिंदुस्तान ई पेपर से यह लिया है कट, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो इसी जून के महीने में आपकी डेट घोषित कर दी जाएगी फिजिकल की डेट। तो भाई हो सके तो आप फिजिकल से पहले ही अपना हो, कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना हुआ सब ऑब्जेक्शन उठाना, मैं भी आपके साथ हूँ भाई फुल सपोर्ट के लिए। कोई भी न्यू जानकारी भाई आएगी मैं तुरंत आपको जानकारी दूंगा। एक बात और बता दूंगी, यह जो गड़बड़ी हुआ जल्द से जल्द न्यूज पेपर में आने वाली है, तुरंत न्यूज पेपर में निकलते ही तुरंत आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है भाई, तो ऐसी बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो भाई इस तरीके से तो कोई भी बंदा भाई कितनी परेशानियां भुगत कर, कितने बेरोजगार हैं भाई बंदे, और उनके साथ फिर भी धोखा हो जाता है भाई। कितनी मेहनत करने के बाद पेपर देने जाते हैं, छः छः महीने बीत जाते हैं पढ़ पढ़ कर, फिर भी उनके साथ हुआ उनके साथ धोखा मिलता है भाई, कितना बड़ा धोखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट 12,64,657 कैंडिडेट लिखित परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए आए थे। ओके, मतलब 12,64,657 लिखित परीक्षा के लिए चुने गए थे, और 11,880 आपके इस भर्ती में पद हैं। तो दोस्तों हो सके तो आप जल्द से जल्द कदम उठाना, बहुत ही बड़ी धांधली हुआ है, और आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, और इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और अगली कोई जानकारी, न्यू जानकारी आती है तुरंत आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।